जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं स्वप्न त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का मेजर कल्सी के ऑफिशियल चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आप सभी के एग्जाम्स पास में हैं और आपकी एग्जाम्स की तैयारी को बिल्कुल चुनिंदा बिल्कुल मजबूत तरीके से करने के लिए हम आपके लिए अर्थमेटिक के 25 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है बिल्कुल उनकी बातें करेंगे। तो चलिए आज का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की और मॉडल पेपर की। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है दो धनात्मक संख्या एक्स और वाई का डिफरेंस दिया हुआ है 350। यदि x का 9.5% यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। तुमने कहा सर x का 9.5%, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुम कह रहे हो 9.5x की जो वैल्यू होगी ना सर, वो किसके बराबर होगी? 16.5% के बराबर होगी। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा प्यारे दोस्तों, ठीक है 16.5y के बराबर। अब अगर मैं आगे की बातें करता हूं, तुम कहोगे सर x अपॉन y लिख दें, 165/ कितना बनेगा? अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाता हूं प्यारे दोस्तों, तुम कहोगे सर ये 165/ कितना बनेगा? सर 95 बनेगा। और अगर मैं प्यारे दोस्तों 165/95 की बातें करता हूं ना, कट कर देते हैं इसे, अगर मैं इसे कट करता हूं तो आप कहोगे सर ये देखो 5 से कट जाएगा, 33 अपॉन कितना आएगा? 33 अपॉन में 19 आएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि x अपॉन y की वैल्यू कितना मिला भाई, 33/19। अब क्वेश्चन में मुझे देकर के रखा है कि x और y का डिफरेंस कितना है प्यारे दोस्तों, 350। और अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखता हूँ ना, तो आप कहोगे सर मुझे दिख रहा है कि 33 और 19 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 यूनिट है। और यहाँ से अगर मैं 14 यूनिट की बात करूँ, तो ये जो 14 यूनिट का मान होगा ना, ये किसके बराबर होगा प्यारे दोस्तों, 350 के बराबर, ठीक है। और अगर 14 यूनिट का मान 350 के बराबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हो प्यारे दोस्तों कि कट करोगे, कट करने पे 14 × 25 करना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि एक यूनिट का मान कितना आएगा, 25। और एक यूनिट का मान 25 आने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोनों संख्याएं x और y का योग कितना आएगा। तो यानी कि दोनों संख्याएं x और y का हम सम कर देंगे। आप कहोगे सर x प्लस y करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा सर, वो 33+19 आएगा, यानी कि 52 यूनिट। और 52 यूनिट में एक यूनिट का मान 25 है, तो 52 × 25 करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 52 × 25 का मतलब क्या हुआ भाई, 100/4, 4 से 52 को काटेंगे 13, दो जीरो लगाएंगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1300, ठीक है। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। और अगर हम बातें करते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देख रहे हो कि आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ना प्यारे दोस्तों, ये किससे दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, पी ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा और क्यू को 15% के लाभ पर बेच दिया भाई, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, तुमने कहा ठीक है सर पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। आगे देखो, अब इसने जो बेचा है इसे कितने लाभ पर बेचा है, 15% के लाभ पर बेचा है। यानी कि अगर मैं 1200 के 15% की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर 1200 का जो 15% होता है वो होता है 180, 120+60। तो तुमने कहा सर ठीक है मैं 1200 में 180 जोड़ दूंगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 1380 मान हो जाएगा, 1380, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, फिर कह रहा है फिर ये जो क्यू है ना प्यारे दोस्त, ये क्या करता है, इस वस्तु को आर को बेच देता है 1449 रुपये में। तुमने कहा बिल्कुल सर बेच ले देते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब अगर ये 1449 रुपये में बेच रहा है ना क्यू आर को, तो तुम्हें बताना कितना परसेंट ज़्यादा पर बेचा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आप देख रहे हो 1380 और 1449 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे प्यारे दोस्त कि ये सर 69 का डिफरेंस है। और अगर मैं बात करता हूँ कि 69 1380 का कितना परसेंट होगा भाई, 69 रुपये का ही तो प्रॉफिट हो रहा है 1380 पे। तो तुम कहोगे सर ये जो प्रॉफिट आएगा ना, ये 69/1380 करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर × 100। सॉल्व करने पे कितना आएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी बातें करता हूँ ना, तो ये तुम्हारा आएगा 5%, ठीक है। आप 0 से 0 काट दोगे, 690/139 करो, कितना आएगा, 5%, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, लास्ट ऑप्शन ये जो लिखा है ना, मैंने इससे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे 5% आंसर कर सकते थे, ठीक है, एक लाइन का ये सॉल्यूशन था। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों एवरेज का। देखो जितने भी ये मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ ना, सारे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों हूबहु इसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम लेवल के मिलेंगे, ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ध्यान से समझो। अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, ए और बी, बी और सी, सी और डी का एवरेज दिया है 9, 6, 4,
ठीक है, तुमने कहा सर ए और बी का एवरेज दिया है 9, यानी कि ए प्लस बी की सर अगर मैं बातें करता हूँ ना, तो सर ए प्लस बी का एवरेज अगर 9 दिया है तो इनका जो सम होगा वो 9 गुणे 2 यानी कि 18 आएगा। ठीक है, बी और सी का जो एवरेज दिया है प्यारे दोस्तों वो 6 दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं बी और सी के सम की बात करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो बी और सी का सम कितना आएगा, 6 दूनी 12। इसी प्रकार सी और डी का एवरेज दिया है, भाई कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है प्यारे दोस्तों 4, यानी कि अगर मैं सम की बातें करता हूँ तो 4 गुणे 2 कितना आएगा, 8। तुम कहोगे सर यहाँ तक की बातें तो मुझे समझ में आती हैं, मगर आगे क्या करना होगा, तो प्यारे दोस्त आगे देखो क्या दिया हुआ है। आपसे पूछा ए और डी का औसत ज्ञात करें, तुमने कहा बिल्कुल सर मुझे औसत बताना है ए और डी का, और अगर प्यारे दोस्त मुझे ए और डी का औसत बताना है मैं सभी टर्मों को जोड़ देता हूँ। तुमने कहा बिल्कुल सर सारे के सारे टर्मों को जोड़ दो। भाई अगर प्यारे दोस्त मैं सारे के सारे टर्मों को जोड़ता हूँ ना, तो आप कहोगे सर ए एक बार है तो एक बार रहने दो सर, परेशान नहीं करते हैं इसे। बी तुम्हारा 2 बार है प्यारे दोस्तों, तो इसे लिखेंगे हम 2B। सी तुम्हारा 2 बार है यानी कि 2C, और डी तुम्हारा 1 बार है तो यानी कि डी। तुमने कहा सर बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ भी जोड़ूंगा, तो 18, 12, 30, 8, 38। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, मुझे जो निकालना है प्यारे दोस्तों वो ए और डी का एवरेज निकालना है। ठीक है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, तुमने कहा सर मैं यहाँ से ए और डी को अलग कर लेता हूँ, अगर मैं ए प्लस डी को अलग करता हूँ ना प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो, तो तुम्हारा ये क्या बनेगा, 2b प्लस 2c। ठीक है, और तुम्हें पता है कि 2b प्लस 2c को क्या लिख सकते हैं हम, 38 माइनस 2 ब्रैकेट में b प्लस c। अब जरा देखो b प्लस सी का मान 12 दिया हुआ है, b प्लस सी का मान 12 दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, उठा करके रख दो। तुमने कहा सर 12 दुना तो होता है 24, और 38 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 38 माइनस 24 करोगे तो 14 आएगा। अच्छा ये तुम्हारा जो मान आया है ना, ये a प्लस डी का मान आया है। ठीक है, और a प्लस डी का तुम्हें क्या बताना है, सम नहीं बताना है प्यारे दोस्त, क्या बताना है, एवरेज बताना है हमें। तो ए प्लस डी का मान अगर 14 आया है ना प्यारे दोस्तों, तो ए प्लस डी बाई 2 का मान कितना आएगा, हाँ ए प्लस डी का मान अगर 14 आया है ना, तो जब हम इनके एवरेज की बातें करेंगे तो इनका जो एवरेज आएगा वो ए प्लस डी बाई 2 यानी कि ये 7 आएगा। ठीक है, 14 बाई 2 करोगे आपका 7 आएगा, योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये 25 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। ठीक है, सॉल्व करना सारे के सारे क्वेश्चन, तुम्हें मजा आ जाएगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना किसने कितने राइट आंसर किए हैं भाई इस मॉडल पेपर में। ठीक है, हाँ दूसरी बात, ऑफलाइन बैचेस या ऑनलाइन बैचेस से भी प्यारे दोस्तों अगर आप जुड़ते हो ना प्यारे दोस्त, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन तो हम बेसिक से तो करना सीखेंगे, बहुत ट्रिक की भी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो, एक व्यक्ति ने 2 स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। तुमने कहा ठीक है सर तय करने दो। आगे देखो, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तुमने कहा सर स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, 245 किलोमीटर की दूरी अगर आप 7 घंटे में करते हो, आप कहोगे सर v इक्वल टू d बाई t होता है, यानी कि 245/7 करोगे अगर तुम, तो तुम कहोगे सर यहाँ से जो मेरा स्पीड निकल के आएगा, सर स्पीड निकल के आएगा 245/7 होता है प्यारे दोस्त, यानी कि ये आएगा 35। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 35 आएगा, ये 35। तुमने कहा ठीक है सर, v की जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, v इक्वल टू हमारा 35 किलोमीटर प्रति आवर आ गया है। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाएं। कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है ना प्यारे दोस्त, इसको स्कूटर की 3/7 चाल से चलाएं, यानी कि स्कूटर और की का मतलब क्या हो गया, जरा देखो ध्यान से, स्कूटर की 3/7 चाल से चलाएं यानी कि 3/7, और स्कूटर का एस यहां पे गुणा कर दो। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं तो ऐसा ही करूंगा। अब यहां से अगर मैं देखता हूं प्यारे दोस्त, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो E अपॉन S, S का मतलब क्या भाई, स्कूटर की चाल। अभी मैंने ये स्कूटर की ही चाल निकाली है VS। ठीक है, आगे देखो, तुम कहोगे सर ये E बाई 7 हमारा 3/7 हो जा रहा है, और सर स्कूटर की चाल मुझे पता है 35 है, यहां पर स्कूटर की चाल 7 यूनिट दिया है, 7 यूनिट का मान 35 के बराबर करो। तुमने कहा सर गुणे 5 करना पड़ेगा, सर हमें यहां पर क्या बताना है कि ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो तुमने कहा सर कोई बात नहीं, अगर मैंने यहाँ 5 का गुणा किया है ना,
तो मैं ऊपर भी 5 का गुणा करूंगा, 3 × 5 होता है 15 भाई, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारी ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड होगी वो कितनी होगी भाई, 15 किलोमीटर पर आवर होगी, 15 KMPH होगी प्यारे दोस्तों। अब अगर तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है तो 4 घंटे में कितना जाएगा भाई, तो 4 × 15 कर दो, 4 × 15 कर दोगे तो तुम कहोगे सर ये 60 किलोमीटर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की प्यारे दोस्त। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना बड़ा मासूम सा है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो सभी लोग, उसके बाद बातें करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, मैंने तुम्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ ये चीज़ें कि जब भी ये टर्म तुम्हारे सामने रेशनलाइजेशन करके ऐसा देता है ना तो ये टर्म पूरा का पूरा पलट जाता है, इसकी दुनिया ही बदल जाती है प्यारे दोस्त, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस टर्म की बातें करता ना तो तुम इसे क्या लिखते भाई, 3.25 − 2.25 प्लस में, जो वैल्यू नीचे लिखी रहेगी वही तुम्हारी ऊपर बनेगी, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर सारे चिन्ह बदल जाने दो, अब तो मैं ये काम कर लूंगा भाई, ठीक है। आगे देखो सारी की सारी वैल्यूज को उतार दो, ठीक है, माइनस में 4.25। इसी तरह से प्यारे दोस्त अगर मैं आगे की बातें करता हूँ ना तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई माइनस में, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर यहाँ तक की चीजें तो मैं कर ले जाऊंगा। आगे देखो ध्यान से भाई, काटने पीटने में ऑलरेडी तुम बहुत तेज हो, बहुत एक्सपर्ट हो, होशियार हो, ठीक है। तो चलो इसे भी कट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर कट करता हूँ ना भाई, देखो ध्यान से, प्लस की वैल्यू 3.25 माइनस से कट गया, आगे की बात किया मैंने 4.25 माइनस से कट गया भाई, प्लस 5.25 माइनस 5.25 से कट गया। तुमने कहा सर ये 2.25 लिखा, यानी कि अगर मैं इसको 225 बनाता हूँ तो ये 15 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर मैंने बाहर निकाला प्यारे दोस्तों इस टर्म को, तो इसको हम लिखते हैं 1.5 भाई, क्लियर है ये बातें। आगे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे प्लस 6.25 लिखा है प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता है 625 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, तो 6.25 का जो स्क्वायर बनेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है, वो 2.5 का स्क्वायर बनेगा। तुमने कहा सर −1.5 में +2.5 करेंगे, एक आंसर आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करते, डायरेक्ट आंसर दे करके एक मारते, केवल क्वेश्चन दिखते बस, ठीक है। आगे की बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, देखो जरा ध्यान से, बड़ा गंभीर सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहाँ पर ये जो टर्म लिखे होते हैं ना, देखो ध्यान से, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, a² + b² + 2ab के फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है। यानी कि तुम्हें एक ऐसा टर्म बनाना होता है जिसे जोड़ने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे 30 है। तुमने कहा सर मैं थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पे जोर डालता हूँ भाई, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसे जोड़ने पे 11 आ जाए, गुणा करने पे 30 आ जाए। तो तुम कहोगे सर 5 और 6 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 5 और 6 = 11 होता है और 5 × 6 होता है 30। मैंने कहा बिल्कुल, ऐड कर लो जरा इसे। तो तुम कहोगे सर ये ऊपर का जो टर्म है ना, ये √6 + √5 बनता है सर, और अगर मैं नीचे के टर्म की बातें करता हूँ तो यही लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो भाई, ठीक है। चलो √6 + √5, अब तुम्हें पता है कि ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी भाई, चिन्ह बदल जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर बदल जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ध्यान से, अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, अगर इसका चिन्ह पलट जाता है तो ठीक है, लेकिन बाहर तो लगा हुआ है माइनस प्यारे दोस्तों, और अगर बाहर माइनस लिखा हुआ है तो तुमने कहा सर माइनस का गुणा भी करेंगे, और माइनस का अगर तुम गुणा करते हो ना तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस का गुणा करोगे तो ये टर्म प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा दो, अब ब्रैकेट हटाने के बाद फिर से काट पीट दो क्वेश्चन में जो जो वैल्यू कट रही है। तुमने कहा सर √6 से √6 कट गया, √5 और √5 को जोड़ेंगे, 2√5 ऑप्शन नंबर ए आएगा, बन जाएगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना मिश्र धातु वाला, अलॉय वाला भाई, ये फियर फैक्टर होता है एयरफोर्स वालों का, नेवी वालों का, ICG वालों का, ऐसे क्वेश्चन आते ही एग्जाम में आप हाथ खड़े कर लेते हो, सर ये मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। वाई ग्रुप के इस बार वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, ठीक है। एक ऑफलाइन वाला बच्चा मेरे पास आता, कहता है सर ये वाला मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कहा तुम तो पिटाई डिजर्व करते हो भाई, देखो ध्यान से, क्योंकि ऑलरेडी उसने काफ़ी सारे टाइप पढ़े थे, बट कहा सर टाइम ऑलरेडी खत्म हो गया,
देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ वाले क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो तुम्हें दिया हुआ कि ये जो मेटल अलॉय है ना ये 40 केजी है, यानी कि मिश्र धातु जो है वो ए क्या है 40 केजी है। तुमने कहा ठीक है सर होने देते हैं मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखो ए कितना है प्यारे दोस्तों 40 केजी है, मैंने 40 केजी लिख दिया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी कितना है भाई, बी 63 केजी है। तुमने कहा ठीक है सर बी को भी 63 केजी होने देते हैं। आगे देखो ध्यान से, यदि मिश्र धातु में लेड और टीन का रेशियो कितना है 2:3, यानी कि इस यहां से प्यारे दोस्तों दो चीजें निकलेंगी, एक तो लेड निकलेगा और एक क्या निकलेगा टिन निकलेगा, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर सारी चीजें निकलने देते हैं। लेड का क्या होता है भाई रासायनिक मान, तो तुम कहोगे सर लेड का अगर मैं IUPAC नाम की बात करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से आवर्त सारणी में क्या होता है लेड का जो मान होता है वो PB होता है, ठीक है। अब अगर मैं लेड का मैंने PB लिखा टिन लिखा, क्या रेशियो है भाई 2:3 है, 2:3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं लेड की बातें करता तो ये 2/5 आता प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। 5 यूनिट का मान 40 के बराबर होता, कट करते 1 यूनिट का मान 8 आता, 1 यूनिट का मान 8 आने का मतलब लेड कितना होगा 2×8 होगा, और 2×8 का मतलब लेड होगा 16, और यहाँ पर 3×8 करते तो ये आता 24, ठीक है। तो तुम कहोगे ठीक है सर लेड हमारा कितना आएगा 16 आएगा और टिन कितना आएगा 24 आएगा। आगे देखो इसी तरह से प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो तुम कहोगे सर यहाँ पर देखो क्या है भाई बी में जब तुमने तोड़ा तो टिन और तांबा आ गया, टिन आ गया भाई, ठीक है। तुमने कहा कोई बात नहीं सर आने देते हैं टिन को, यहाँ पर मैंने लिखा टिन और उसके बाद तांबा, तांबा यानी कॉपर कितना है भाई 2:5। तुमने कहा सर अगर मैं 2 और 5 को जोड़ता तो 7 आता, 7 यूनिट का मान 63 आता, तो यानी कि 7 से 63 को कट करते तो 1 यूनिट का मान 9 आता प्यारे दोस्तों, और जब 1 यूनिट का मान 9 आता तो यहाँ पर तुम 9 का गुणा कर देते भाई, ठीक है। 9 का गुणा करने का मतलब 9×2=18 और ये कितना जाता भाई 45, यानी टिन आता तुम्हारा 18 और कॉपर आता 45। तुमने कहा जी सर ये बातें मेरे दिमाग में समझ में आ रही हैं भाई। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताओ कितनी होगी। तो प्यारे दोस्त यानी कि अगर तुम दोनों को जोड़ते हो तो टिन की मात्रा बताओ कितनी होगी। तुमने कहा सर अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो टिन यहाँ पर है 24। देखो ध्यान से सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, हो क्या जा रहा है, देखो ध्यान से अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो इस धातु में टिन तुम्हारा है 24 और यहाँ पर कितना है भाई 18। तुमने कहा सर अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा ना भाई, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 24+18 कितना आएगा प्यारे दोस्तों 42 आएगा, यानी कि राइट आंसर विल बी 42 केजी, और ये क्या होगा नए मिश्रण में तुम्हारी टिन की मात्रा आएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में आती हैं भाई। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो है प्यारे दोस्तों 3D से है, 3D मैंने ऑलरेडी अभी YouTube पे पढ़ाया हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने वो लेक्चर भी देखा होगा, नहीं देखा होगा अगर अभी तक तो जा कर के देख लो, ये पार्ट भी ऑलरेडी मैंने वहाँ पे तुम्हें करवाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ की बातें करूँ प्यारे दोस्त केवल, हाँ तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक ईंट की माप 28×18×6 दिया हुआ है, ठीक है। 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। एग्जामिनर तुम्हारा चालाक है, एक मान मीटर में दे रहा है, एक मान मीटर में दे रहा है, एक मान सेंटीमीटर में दे रहा है। तुमने कहा सर मुझे इतनी बड़ी दीवार बनानी है तो इस बड़ी दीवार का आयतन कितना होगा भाई 21 मीटर यानी 21×100, 12 मीटर ऊंची यानी कि 12×100, 36 सेंटीमीटर मोटी। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे 36 के बाद सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पे 36×100 करने का पाप मत करना आप लोग, ठीक है। आगे की बातें करते हैं भाई, इसके बाद देखो जरा ईंट की माप कितनी 28×18×6। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें भाई, 28×18×6 सॉल्व करो कितना आएगा भाई। तो अगर तुम कहोगे सर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना भाई, तो 18 लिखा है, 18 से 36 को काटते 2 आता, ठीक है। आगे देखो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, 12 लिखा हुआ, 6 से काटते 12 को तुम्हारा 2 आता, 2×2 कितना होता है भाई 4 होता है, ठीक है। 2×2 तुम्हारा 4 होता है और 4 से 28 को काटते तो कितना आता भाई 7 आ जाता। तुमने कहा ठीक है सर लिख दिया। अच्छा 21/7 कितना होता है भाई, 21/7 का मतलब हुआ अगर मैं 21 को 7 से काटता हूँ 3 आता, ऐसा ऑप्शन होगा जिसके स्टार्टिंग में 3 हो भाई, ऑप्शन नंबर सी।
हाँ, 100 × 100 करते तुम्हारा 10,000 आता, और 10,000 × 3 करते तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी आ जाता भाई। 3 × 10,000 कितना होता है भाई? तो 3 × 10,000 उतना ही होता है जितना आप एयरफोर्स वाई ग्रुप को ज्वाइन करते तो जो सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, दूसरे साल पे, ठीक है, जो पहली सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है भाई वो इतनी ही बनती है लगभग, ठीक है। चलिए आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, एक व्यक्ति ने एक कार रुपए 3,80,000 में बेची और 5% की हानि हो गई भाई, इससे हानि हो गई, देख रहे हो, यानी प्रॉफिट लॉस कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो तुम्हारा साथ छोड़ते नहीं है, और उन्हीं सारे चैप्टर्स की 1 by 1 बातें करेंगे, ठीक है। और परेशान मत होना, डेली शिद्दत से मेरी क्लास में आना, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाएगा प्यारे दोस्तों, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा छूट के तुम्हारी आंखों से बच के चला जाए, चाहे वो रीजनिंग का टॉपिक हो चाहे वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो, ठीक है। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन की बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें लिखा हो, एक व्यक्ति ने एक कार रुपए 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हो गई भाई, ठीक है। तुमने कहा जी सर 3,80,000 में बेची और 5% की हानि होगी। तुमने कहा सर उस व्यक्ति ने कार तो 100% की खरीदी होगी भाई, भाई किसी भी कार का मूल्य अपने आप में 100% होता है, तुम भी अपने आप में 100% मूल्य के आदमी हो, दिमाग पढ़ाई पर कितना लगाते हो ये तुम पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक कार रुपए 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हो गई। तुम कह रहे हो सर 100% माइनस अगर मैं 5% करता हूँ भाई, 5% की हानि हो गई तो यानी कि हम 95% की कार खरीदे भाई, ठीक है। और कितने मूल्य में हमने बेचा है उसे? 3,80,000 में बेचा है, 3,80,000 में बेचा है प्यारे दोस्त। ये बात समझ में आई तुम्हें कैसे मैंने 95% लिखा, ठीक है। जिसको ना समझ में आई वो एक बार फिर से देख ले। हाँ, कार को आप 100% कार का मूल्य अगर आप मानते हो, 100% में से 5% जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो ये 95% आता है भाई। 100% में से 5% घटाने के बाद ही तो तुम ना ये मूल्य 3,80,000 में बेच रहे हो। तुमने कहा जी सर ये बातें मेरे दिमाग में घुस रही हैं, जा रही हैं भाई। आगे देखो, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तुमने कहा ठीक है सर सॉल्व करते हैं इसे। 95% = 38 लिखा हुआ है, अगर मैं 19 से काटता हूँ तो 19 × 38 होता है, 19 × 5 कितना होता है? 95 होता है। 5% = 20,000 आ गया प्यारे दोस्तों, कितना आ गया भाई? 5% = 20,000 आ गया। और जब प्यारे दोस्तों 5% = 20,000 आ गया, तुमने कहा सर हमें चाहिए 15% का लाभ। 15% का लाभ यानी 100 + 15 प्यारे दोस्त, और 100 + 15 कितना होता है? 115%। तुमने कहा बिल्कुल सर मुझे 115% पैसे चाहिए, तो यानी कि 5 में तुम गुणा करोगे प्यारे दोस्त 23 का, और इसी प्रकार 20 में कितना गुणा करोगे भाई? 23 का। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं गुणा करने में बड़ा होशियार हूँ भाई, ठीक है। तो 20 × 23 = 23 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 46 होता है। तुम्हारे ऑप्शन में 46 करके वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। 4,60,000 ये तुम्हारा आंसर आता है ऑप्शन के स्टार्टिंग में, 46 ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए आगे की बातें करते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे सेशन तुम्हारे लिए लाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा ये सेशन, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चन तुमने राइट किए भाई, ठीक है। तेरा मैं भी तो देखूं कितनी तेज और स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। हाँ देखो क्या लिखा है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। भाई औसत चाल से तुम्हारे एग्जाम में बड़ा मासूम सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो देखो ध्यान से, तुमने कहा सर जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त? तुम कहोगे सर अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो सर मैंने पढ़ के रखा हुआ है भाई क्लासेज में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है। तुमने कहा सर डिस्टेंस तो मैं देख पा रहा हूँ कि कार क्या तय कर रही है भाई, कार पहले 272 गई फिर 85 गई, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं ऐसा ही करता हूँ, तो एवरेज स्पीड को अगर मैं वी मानता हूँ ना तो प्यारे दोस्त 272 + 85 कितना आएगा? तुमने कहा सर मैं जोड़ देता हूँ भाई, 272 + 85 हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम लिखा है। अब टाइम तो यहाँ पर दिया नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड दे दिया। तुम्हें पता होना चाहिए प्यारे दोस्त कि अगर मैं टाइम की बातें करता हूँ भाई, टाइम v = d/t होता है, तो अगर मैं t की बात करता हूँ, टाइम की बात करता हूँ, तो इसे मैं d1 / v1 लिख सकता हूँ प्यारे दोस्त, d1 / v1 लिख सकता हूँ t1 बराबर,
तुमने कहा जी सर ऐसा कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं D1 की बात करूं, 272 लिखा है, 272 को तुम 40 की स्पीड से तय कर रहे हो, तुमने कहा सर ये 272 बटे 40 बनेगा प्यारे दोस्त, प्लस कितना आएगा ये D2/T2 बनेगा, ठीक है। तो तुम कहोगे सर 85/50 आएगा, भाई कितना आएगा प्यारे दोस्त, 85/50 आएगा। और जब प्यारे दोस्त ये 85/50 आएगा ना, कैलकुलेट कर लो, 272 और 85 को जोड़ूंगा तो तुम कहोगे सर 350 और 350 में 7 जोड़ दो सर 357 आएगा, ठीक है। चलो आगे सर 272/40 करेंगे, 85/50 करेंगे तो कितना आएगा, कोई बात नहीं प्यारे दोस्त हम इसे फ्रैक्शन में बना लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के बजाय दशमलव में बना लेते हैं। तो 40 को अगर मैं 272 से काटता हूँ प्यारे दोस्तों, 4 को काटता हूँ, तुम्हें पता है 4×6=24 होता है, 4×6 कितना होता है 24 होता है, उसके बाद 3 बचेगा यानी 32, तो 4×8=32 यानी 6.8 आएगा, ये 6.8 आएगा। इसी तरह 85 को अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो 85×17 होता है, जिसे 17 लिखोगे आप, ठीक है, 1.7। तुमने कहा सर मैं दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो 68 में, हाँ 6.8 और 1.7 को जोड़ेंगे 8.5 आएगा। और 357 को क्या लिख सकते हो प्यारे दोस्तों, 357 को 357 लिखा रहने दो, और यहाँ पर ये जो 8.5 आया है, क्या आया भाई 8.5 आया है ना, 8.5 को हम क्या लिख सकते हैं 17/2 लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, क्या लिख सकते हैं 17/2, मैं काट करके यहाँ पे 17/2 लिख देता हूँ, ठीक है। 17 से काटोगे 17×2=34 और 1 आएगा, ठीक है, 21 गुणे दो कितना आएगा 42 आएगा, 42। और एग्जाम में ये वही ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो तुमसे एग्जाम में बच गए थे भाई, तभी तो तुम्हारा टाइम कम पड़ गया था क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी, तुम्हें पता ही नहीं था कैसे तेजी से सॉल्व करना है क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स ही नहीं पता थी भाई, ठीक है, तुम तो वही लगे थे बेसिक से सॉल्व करने पे, कैसे होगा भाई, भाई बेसिक तरीकों से थोड़ी नहीं एग्जाम निकल सकता है, आप एकेडमिक की बातें नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन की बातें कर रहे हो, रियल कंपटीशन की बातें कर रहे हो प्यारे दोस्त, ठीक है। सिलेक्टेड बंदे से जाकर के पूछो कि कैसे उसने अप्रोच लगाया था एग्जाम में, ठीक है। और अभी तो मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है शॉर्टकट्स की, ठीक है। चलो आगे की बातें करता हूँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। दिए गए चित्र में वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास में अंतर है, तुमने कहा ठीक है सर मेंसुरेशन 2D का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं इसको बड़ी शिद्दत से सॉल्व करूंगा सर। आगे देखो यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये पार्ट 10 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास में अंतर पूछा है। वर्ग का विकर्ण होता है प्यारे दोस्तों √2 होता है, भाई वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 होता है, और वृत्त का जो व्यास होता है प्यारे दोस्तों वो 2R होता है, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर 2R होता है, यानी कि अगर ये पार्ट 10 दिया है ना प्यारे दोस्त, अगर ये पार्ट को मैं 10 मानता हूँ तो तुम कहोगे सर 10 और 10 कितना हो जाएगा भाई 20 होगा, यानी कि यहाँ पर सर 2R यानी 2×10 की वैल्यू दिया है 20। अब मुझे क्या निकालना है √2 निकालना है, वर्ग का विकर्ण निकालना है, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल निकालेंगे सर, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगर प्यारे दोस्तों ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तुमने कहा सर मैं 10 इसे मान रखता हूँ ऐसे भी, भाई रेडियस ही तो है ये 10, ये जो ऊपर 10 सेंटीमीटर दिया है रेडियस ही तो है, तुमने कहा जी सर मैं देख पा रहा हूँ, भाई मेरी आंखें देख पा रही हैं कि ये जो 10 दिया है ये क्या दिया है रेडियस दिया है, तुमने कहा बिल्कुल सर ये चीज़ें तो मुझसे हो जाएंगी भाई। आगे देखो क्या करोगे, तुमने कहा बिल्कुल सर ये चीज़ें क्या दिया था भाई रेडियस दिया था। अब जब प्यारे दोस्त ये वाला पार्ट रेडियस दिया था ना, तुमने कहा सर 10×10 कितना होगा भाई 10×10 कितना होगा भाई 10×10 होगा 20। तुमने कहा सर ये जो वर्ग की भुजा है ये 20 सेंटीमीटर हो गई, और सर जब वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर हो गई तो 20√2 होगा कि नहीं होगा ये मान, तुमने कहा बिल्कुल सर ये बातें मेरे दिमाग में जा रही हैं सर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 20 कॉमन करता हूँ प्यारे दोस्त, 20 कॉमन करता हूँ तो ये √2−1 बनेगा, और √2−1 में √2 का मान कितना होता है, तुम कहोगे सर ये 1.4142 होता है, 1.4142 होता है, यानी कि अगर मैं इस मान की बात करता ना प्यारे दोस्तों तो 1.4142 आता, ठीक है, मैं 3 ही डिजिट तक ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है 1.414 से घटाती है, तो तुम कहते हैं सर 20×0.414, ठीक है, गुणा करते तो 414×2 कितना होता है प्यारे दोस्तों 828 यानी 8.28 आता, ऑप्शन तुम्हारा 8.28 यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो प्यारे दोस्तों अप्रॉक्सीमेट अगर तुम जाती हो ना तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्या आएगा अप्रॉक्सीमेट तुम्हें जाना पड़ेगा, हाँ 8.28 तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, थोड़ा सा डिजिट्स और बढ़ेंगे क्योंकि 1.4142 करके इसका मान होता है, ठीक है लगभग, तो ये अप्रॉक्स जो तुम्हारा आएगा ना, अप्रॉक्स जो आंसर आएगा तुम्हारा वो 8.3 आएगा, ठीक है।
बताओ ये बातें भाई तुम्हें समझ में आती हैं? आगे चलें। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर मैं अगले क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, एक समान लंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 14 और 35 सेंटीमीटर है, हमें बताना है क्षेत्रफल दिया है, दूरी बतानी है। तुमने कहा सर समांतर चतुर्भुज की बातें करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड्स यानी कि समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब समांतर भुजाओं के अगर मैं योग की बात करूं, एक 14 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 14 + 35 कर दो प्यारे दोस्त, गुड़े उनके बीच की दूरी होती है, गुड़े उनके बीच की दूरी ही तो हमें बताना है, हम डी मान लेते हैं। एरिया जो मैंने लिखा हुआ यहां पर दिया था 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं लिख दूंगा। आगे देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्यारे दोस्तों, 1176 × 2 बनेगा। तुमने कहा ठीक है सर सॉल्व करते हैं, 1176 × 2 आएगा प्यारे दोस्तों, 14 + 35 = 49 होता है, 49 होता है इंटू में डी। तुमने कहा सर 49 इंटू में डी, इसको हम 49D लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, अगर यहाँ पे 9 लिखा है प्यारे दोस्त, अगर यहाँ पर 9 लिखा है, तुमने कहा सर यहाँ पर 9 लिखा है और यहाँ पर 6 लिखा है, अगर मैं इसको काटता हूँ तो लास्ट में 4 जरूर आएगा, और 4 × 2 करने पे ऑप्शन के लास्ट में प्यारे दोस्तों 8 होना चाहिए, और 8 केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा, ठीक है। तो ये तरीके तुम्हें एग्जाम में लगाने थे। किसी को लग रहा है नहीं सर काट के मैं चेक करूंगा भाई, ठीक है, ऐसे कैसे मान जाऊं फिर मैं तो बिल्कुल तुम काट के चेक कर सकते थे, लेकिन उससे एग्जाम में थोड़ा दिक्कत भी करता है प्यारे दोस्तों, टाइम भी कमी, ठीक है। हाँ 49 से अगर मैं 1176 काटता हूँ, 49 दूना कितना होता है, 98 होता है, 98 होता है, और उसके बाद अगर मैं कट करता ना तो ये कितनी बार में कटता भाई, 196 आता, 4 बार में कट जाता, ठीक है। 24 आता और 24 दूना कितना होता है, 48, यानी कि डी बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 48 सेंट, ठीक है, डी बराबर कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि प्यारे दोस्तों ऐसे ये जो क्वेश्चन तुमने देखे हुए हैं ना, अगर तुम्हें लगता है ठीक है कि अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से बूस्ट करना है ना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कर लो। क्या खासियत है भाई, तुम क्यों डाउनलोड करोगे? तुम कहोगे सर मैं क्यों डाउनलोड करूं भाई, ठीक है। तो प्यारे दोस्त इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारे एग्जाम में जो तुम्हारी टाइम भी कमी पड़ जाती है ना, तो वो ऑलरेडी तुम जानते रहोगे कैसे टाइम भी कमी ना पड़े, कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आएंगे भाई, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, MKC टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करना है, और बेसिकली यहाँ से अपने आप जो भी एग्जाम है आपका, ICG DB हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, एक्स एंड वाई बोथ हो, NavySSR हो, ICG हो, सारे के सारे आप एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की बातें करता हूँ भाई, 13 नंबर क्वेश्चन की बातें करता हूँ। अच्छा सेशन को लंबा ना करने के बजाय थोड़ा सा तेज भी चलते हैं, ठीक है। हाँ 13 नंबर दिया है, सोने के 3 ठोस गोलाकार मनके जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पिघला करके एक ठोस गोला मनका बनाया जाए, ठीक है। यानी कि तुम कह रहे हो सर बड़े गोले, छोटे छोटे 3 गोलों को पिघला करके हम बड़ा गोला बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे 3 गोलों को पिघला करके हम बड़ा गोला बनाने की चाह रखते हैं सर, ठीक है। तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तुम्हें मैंने ऑलरेडी क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया कि अगर मैं 4/3 πr³ करके r1³ + r2³ + r3³ करता हूँ, तो फाइनली ये जो फॉर्मूला बनता है प्यारे दोस्तों वो ये बनता है कि स्मॉल r1, देखो ध्यान से इसकी अगर मैं बात करता हूँ, कैपिटल r³ बराबर स्मॉल r1³ + r2³ + r3³, ठीक है। क्लासेज में भी मैंने पढ़ाया हुआ, और क्लासेज को अभी आप दिखा करिए 3D की क्लास जो मैंने अभी रिसेंट में पढ़ाया हुआ टॉपिक है, 3D मैंने जो रिसेंट में पढ़ाया हुआ है, कुछ क्लासेज आप पहले जा करके देखिए प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक की, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भाई, बहुत डिटेल्ड में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ, 3, 4, 5 दिया है, 3 का क्यूब करोगे भाई, 4 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे, बराबर आएगा कैपिटल r³। तुम सॉल्व करोगे, कहोगे सर ये आएगा सॉल्व करने पे कितना भाई, ये 216 आता है प्यारे दोस्तों, 216 बराबर r आएगा, r³ आएगा, यहाँ से r बराबर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई 27, 64, 125 को जोड़ोगे तो तुम्हारा आएगा ये 216, ठीक है, और r बराबर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 में, x² + 1/x² का मान दिया है, x³ - 1/x³ का मान पूछा, बहुत आसान सा, बहुत मासूम सा है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेज में सॉल्व करना सिखाया हुआ है। यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, x² + 1/x² बराबर अगर 83 दिया हुआ है, तुमने कहा सर दोनों तरफ अगर मैं 2 को ऐड करता हूँ ना, सर दोनों तरफ अगर मैं 2 को ऐड करता हूँ प्यारे दोस्त,
अच्छा ऐड नहीं करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे तो तुमने कहा सर अगर मैं माइनस करता हूँ ना तो माइनस टू यहाँ पे बनेगा और 83 माइनस टू करने पे कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 81 आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ की फॉर्मूले की बातें करता हूँ, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर आएगा, दोनों पक्षों से स्क्वायर हटाओगे तो तुम कहोगे सर x माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब जो आता है वो क्या आता है प्यारे दोस्त, 3p, हाँ ये जो आता है प्यारे दोस्तों पी क्यूब प्लस 3p आता है, क्या आता है, पी क्यूब प्लस 3p आता है। 9 दिया हुआ है, 9 का क्यूब प्यारे दोस्तों होता है 729 और 729 में 3 गुणे 9 करोगे यानी कि आएगा 27। तुमने कहा सर 7 और 9 को जोड़ेंगे लास्ट में 6 होना चाहिए, केवल एक ऑप्शन के लास्ट में 6 है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी आप ऐड करके देख सकते हो भाई वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे की बातें करते हैं, 15 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, 15, 20, 25 लिखा हुआ यहाँ पे, तुमने कहा सर 15, 20, 25 सेंटीमीटर के त्रिभुजाकार भुजाएं हैं, 5 मीटर पर स्क्वायर के भाव से क्षेत्र में बीज बोने का खर्च बताना है भाई, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल बताते हैं सर, क्या दिक्कत आ गई इसमें, देखो ध्यान से 15, 20, 25 को प्यारे दोस्तों ये क्या है, ट्रिपलेट है भाई, ये ट्रिपलेट है, मैंने ऑलरेडी क्लासेज में पढ़ाया हुआ है भाई, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में मैंने कहा 15, 20, 25 लिखा है, ये 15 लिखा है, ये 20 लिखा है प्यारे दोस्तों, ये 25 लिखा है, ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। किसी साथी को ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो 5 से कट करोगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट तुम्हें दिखेगा, 5 से कट करोगे तो ये 3 बनेगा, यहाँ भी कट करोगे तो 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर ये ट्रिपलेट बन रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बीज बोने का खर्च, तुम्हें पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है भाई, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट कितना दिया भाई, बेस 20 दिया है, हाइट 15 दिया है, 20 गुणे 15 कर दो, ये तो एरिया होता है, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है भाई, खर्च निकालना है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर खर्च अगर मुझे निकालना है ना तो 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, ये तो एरिया था, मैं अलग से देखो यहाँ पे 5 का भी गुणा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा खर्च भी आ जाएगा, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं तो खर्च भी निकालूंगा, एक्सपेंडिचर भी निकालूंगा, तो 2 से कट करोगे 10 आएगा, 15 दहम्मा कितना होता है 150, 15 × 5 = 75, 75 दहम्मा 750, ऑप्शन नंबर सी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी की चाल का अनुपात दिया है, तुमने कहा ठीक है सर ए बी से 20 मिनट ज्यादा लेकर एक स्थान पर पहुंचता है, तब आपको बताना है भाई कि ए कितने समय में उस स्थान पर पहुंचेगा, ठीक है। जैसे तुम फिलहाल इस बैच में आ चुके हो प्यारे दोस्तों, तो इस स्थान पर पहुंच चुके हो, ठीक है। तो डेली कहने का मतलब, अगर चैनल को तुमने सब्सक्राइब ना करने जैसा पाप किया है तो वो बिल्कुल उसे धुल लो, ठीक है, और उसे सब्सक्राइब भी कर लोगे। चलो अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, ए और बी की चाल का अनुपात दिया है 3:4, तुमने कहा ठीक है सर ए और बी की चाल का अनुपात दिया है 3:4, यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ सर और अगर मैं बी की बात करता हूँ तो चाल यानी कि वी कितना दिया है सर 3:4। आगे देखो, ए बी से 20 मिनट ज़्यादा लेता है किस स्थान पर पहुँचने पर, तुमने कहा सर अगर चाल आप 3:4 कह रहे हो ना तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर ये 3:4 है तो टाइम होगा 4:3, ठीक है। अब यहां पर दे करके रखा है प्यारे दोस्तों कि ये क्या करता है, ए 20 मिनट ज्यादा लेता है, तो तुम कहोगे सर मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ए जो टाइम ले रहा है वो 3 से 4 हो जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, और यहां पर सर इस क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा भाई, 20 मिनट के। अब तुमसे कह रहा है ए कितने समय में उस स्थान पर पहुंचेगा, तो तुम देख रहे हो ना प्यारे दोस्त कि ए का जो टाइम टेकन है वो कितना है, 4 है। तुम कहोगे सर 4 में पहुंचेगा वो, और जब 4 में पहुंचेगा प्यारे दोस्तों तो 4×20 कर दो, क्यों 4×20 करोगे, 1 यूनिट का मान 20, तो यहां पे 4×20 करोगे 80 मिनट आएगा। ऑप्शन चेक करो, सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं प्यारे दोस्तों, 80 मिनट को अगर तुम फ्रैक्शन में बदलोगे, तुमने कहा सर 80/60 करेंगे, इसका मतलब होता है 4/3 प्यारे दोस्तों, 4/3 का मतलब 101/3 आवर, ठीक है, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1/3 आवर्स। चलिए आगे की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 जो तुम्हारा लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ, 72 km/h की चाल से चलने वाली जो आपकी रेलगाड़ी है, ये 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े मनुष्य कितने समय में पार करेगी। तुम कहोगे सर इससे मासूम क्वेश्चन भी तुम्हारा, इस क्वेश्चन से भी मासूम क्वेश्चन तुम्हारा कोई और हो सकता है क्या, ठीक है। तो चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, 72 km/h दिखा हुआ है, तुम्हें पता है कि 72 × 5/18 करोगे कितना आएगा भाई, 18 × 4 तुम्हारा आएगा
72 और 74 इंटू 5 20 आएगा, यानी कि स्पीड तुम्हारी कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड की तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। और अगर मैं 20 मीटर प्रति सेकंड में 120 यहाँ पे लिखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड आप चल रहे हो, जाना आपको 120 मीटर है, आप कहोगे सर 6 का गुणा कर दो, ऑप्शन नंबर डी। तुम फॉर्मूले से भी बना सकते थे, कैसे फॉर्मूले से बनाते हैं, v इक्वल टू डी बाई टी होता है। तुमने कहा सर यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ, प्यारे दोस्त अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, 72 इंटू 5 बटे 18 ये v हो गया, d तुम्हारा दिया है 120 मीटर अपॉन में कितना t। तुमने कहा सर कट कर देते हैं, 18 से कट करोगे कितना आएगा, 72 को 4, 4 गुणे 5 तुम्हारा 20 आएगा, 20 को 120 से काटूंगा, t बराबर 6 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बातें करता हूँ ना भाई, देखिए हमारा डाटा क्या दिया हुआ है, अजय और विमल एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। आपको भी बिल्कुल सही, अजय और विमल एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। अब अजय और विमल अगर एक कार्य को 16 दिन में करते हैं ना प्यारे दोस्त, तो तुमने लिख दिया यहाँ पे अजय प्लस विमल कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। अब उसके बाद देखो क्या लिखा, यदि अजय अकेले उस कार्य को 24 दिन में करता है, भाई अजय कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तुमने कहा ठीक है सर 24 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्त कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, विमल उस कार्य को अकेले कितने समय में पूरा करेगा। आप कहोगे बहुत ही आसान और मासूम सा ये क्वेश्चन हुआ प्यारे दोस्त, आप दोनों का एलसीएम ले लोगे, 16 24 का एलसीएम आएगा 48, और यानी कि टोटल जो वर्क करना है प्यारे दोस्त आपको कितना करना है, टोटल जो वर्क करना है वो 48 वर्क करना है, ठीक है। 48 का मतलब ये हुआ कि ए प्लस वी जो काम करेगा वो 3 काम करेगा, और ए जो अकेला काम करेगा वो 2 करेगा। अब हमें निकालना है विमल कितना काम करेगा, तो प्यारे दोस्त आप कहो कि सर टोटल वर्क मेरा 48 है, 48 अपॉन में 3 माइनस 2 करेंगे ये 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्त, 48 अपॉन 1 का मतलब हुआ 48 डेज में, यानी कि विमल जो इस काम को करेगा प्यारे दोस्तों वो क्या करेगा 48 डेज में, ठीक है। 3 माइनस 2 यहाँ पे हो जाता है 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 48 डेज, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, टाइम और वर्क से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन हुआ, जहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, MD कांस्टेंट पे क्वेश्चन हुआ, जहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, 18 जिल्द साज 10, ठीक है। फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे M1D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2। आप कहोगे बिल्कुल सर मैं इसे इम्प्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 18 जिल्द साज यानी कि 18 मैन दिए हैं, कितना दिन ले रहे हैं भाई, 10 दिन ले रहे हैं, वर्क कितना कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये 900 पुस्तक बनाने का काम कर रहे हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर 900 पुस्तक बनाने का काम कर रहे हैं, और दूसरे मैन कितने हैं भाई, कितने जिल्द साज की आवश्यकता होगी, हमें जिल्द साज बताना है कितने होगा, यानी M2 हमें नहीं पता है प्यारे दोस्त, D दिया हुआ है 12 दिन, और W2 दिया है हमें 600, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है सर 12/600, तुमने कहा सर कट करने में तो मैं ऑलरेडी बहुत तेज हूँ, और जब तुम कट करने में बहुत होशियार हो ना प्यारे दोस्त, तो देखो ध्यान से 00 से 00 कट गया, हाँ अगर मैं 9 और 6 को काटता हूँ प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे काटते हैं 6 से 12 काटेंगे 2 आएगा, 9 से 18 काटेंगे प्यारे दोस्तों 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा यहाँ पर 10 आएगा, यानी कि M2 का जो वैल्यू आएगा प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा, M2 का जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे की बातें करते हैं भाई, अगर मैं इसके आगे की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो क्या दे दिया भाई, आनंद और गोपाल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ध्यान से यहाँ वाले क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ, आनंद और गोपाल दोनों के पास कितना है भाई, दोनों के पास कुल मिलाकर के 121 रुपए हैं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो प्यारे दोस्तों कि आनंद प्लस गोपाल बराबर कितना दे करके रखा है 121। यदि आनंद के 1/3 भाग का मूल्य भाई, आनंद के 1/3 भाग का मूल्य गोपाल के 2/5 भाग का बराबर है, ठीक है, आनंद के 1/3 भाग का मूल्य वही है जो गोपाल के 2/5 भाग का है, तो गोपाल के पास कितने रुपए हैं, तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि a/3 की वैल्यू है, जो आनंद का 1/3 की जो वैल्यू है वो गोपाल के 2/5 के बराबर है, यानी 2g/5 के बराबर है, और इसी वैल्यू को प्यारे दोस्त मैं क्या लिखता हूँ, a/g इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब आप यहां से कहोगे सर क्योंकि आनंद और गोपाल दोनों को मिलाकर के 121 रुपए था, यानी कि अगर मैं 6 और 5 को जोड़ता हूं प्यारे दोस्तों, दोनों को ऐड ऑन करता हूं, तो तुम कहोगे सर दोनों को ऐड करने पे आएगा 11 यूनिट,
और 11 यूनिट का मान मुझे दे करके रखा है क्वेश्चन में, 121 दे करके रखा हुआ है। और 11 यूनिट का मान 180 देने का मतलब ये हुआ, तुमने कहा सर मैं कट करूंगा भाई, कट करने का मतलब ये हुआ 11 से 121 को कट करोगे, एक यूनिट का मान एक आएगा, एक यूनिट का मान कितना आएगा, सॉरी 11 आएगा, एक यूनिट का मान कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 11 आएगा। तुमने कहा ठीक है सर, एक यूनिट का मान 11 आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछा है गोपाल के पास कितने रुपए थे, देयर आर हाउ मेनी रुपीज गोपाल हैज, ठीक है। तो गोपाल के पास कितने दिख रहे हैं प्यारे दोस्तों, आपको 5 यूनिट दिख रहा है भाई। गोपाल के पास अगर मैं पैसों की बातें करता हूँ तो ये 5 यूनिट है, यानी कि तुम कहोगे सर 5 × 11 मुझे करना होगा, गोपाल के पास 55 रुपए हैं, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर भाई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, और अगर मैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करता हूँ ना, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ एक और बात, कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों आप लोगों फेज 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, लेकिन फेज 2 की तैयारी के लिए भी आप लोग क्या करोगे, आपका ये जो फिजिकल ग्राउंड होता है ना GTO ग्राउंड, तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में वो प्रॉस्पेक्टस पर दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। फेज 2 के बहुत सारे बच्चे पहले से रनिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप भी उन पर ग्राउंड में आए। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ, देखो मिक्सचर वाले क्वेश्चन से बहुत सारे साथी डरते हो, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, और वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो तुम्हारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन इससे कम लेवल पर ही आएंगे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यही लेवल पर आएंगे या इससे कम लेवल, ज़्यादा पे तो बिल्कुल नहीं आने का सवाल है, ठीक है। देखो ध्यान से, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिक्सचर में 10% पानी है, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर 40 लीटर का मिक्सचर है, यानी कि मैंने कहा ठीक है प्यारे दोस्त 40 लीटर का मिक्सचर हो गया, ठीक है। क्या लिखा है, 10% पानी है, यानी कि अगर मैं इस 40 की बातें करता तो दो चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हैं, एक तो मिल्क जुड़ा हुआ है प्यारे दोस्तों, दूसरा तुम्हारा वाटर यानी कि पानी जुड़ा हुआ है। पानी कितना है भाई, 10%, यानी कि अगर मैं 40 के 10% की बात करता भाई, तो 40 का 10% होता है 4। अगर वाटर तुम्हारा कितना है 4 है, तो तुम कहोगे 40 माइनस 4 करने पे मिल्क आएगा 36। क्लियर है सभी को, तुम कहोगे सर इसमें कौन सा नया चीज़ है, ये तो मुझे पता है भाई, आगे क्या करना होगा, ध्यान से समझो। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिक्सचर में क्या हो जाए, पानी की मात्रा 20% हो जाए। तुम क्या मिलाने को कह रहे हो प्यारे दोस्तों, तुम कह रहे हो सर पानी हमें ऐड ऑन करना है, सर पानी ऐड ऑन करना है, पानी ऐड ऑन करने का मतलब ये हुआ पानी तुम्हें कितना चाहिए 20%। तुम कह रहे हो सर पानी मुझे 20% चाहिए, और पानी अगर तुम्हें 20% चाहिए प्यारे दोस्तों, इसका मतलब मिल्क तुम्हारा हुआ 80%। मिल्क कितना होगा भाई 80%। तुमने कहा सर मैं ऐड जो कर रहा हूँ, सर मैं जो ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी, वो पानी की ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी, यानी कि मिल्क पहले भी जितना था मिल्क अभी भी उतना रहेगा। तुमने कहा जी सर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 36 यूनिट की वैल्यू दिया हो, ठीक है, मिल्क पहले भी तुम्हारा 36 था, मिल्क अभी भी 36 रहेगा। तुमने कहा सर 80% बराबर अगर 36 दिया है, मैं अगर 4 से काट देता हूँ सर तो 20% आएगा, और 36 को भी 4 से काटोगे तो कितना आएगा 9 आएगा प्यारे दोस्तों, कितना आएगा सभी साथी मुझे बताओ जरा। तो तुम कहोगे सर 9 आएगा। अब एक बात बताओ, अगर यह वाटर तुम्हारा पहले 4 था अब 9 हो गया, तो तुमने कितना वाटर ऐड किया। तुम कहोगे सर इस क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कितना पानी ऐड किया, ठीक है, न्यू मिक्सचर में, तो सर 9 − 4 करेंगे सर 5 लीटर पानी मुझे ऐड कर रहा हूँ। कितना ऐड कर रहा हूँ भाई, 5 लीटर पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा, पहले 4 था अब 5 हो गया, अब 9 हो गया, 5 लीटर ऐड करोगे। ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर प्यारे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं भाई। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, और बिल्कुल श्योर तुम्हारे एग्जाम्स में बार बार ही रिपीट करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, इंपॉर्टेंट तो 25 के 2500 क्वेश्चन है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर जब भी कभी तुम्हें इस तरह की वैल्यू दिखे, फॉर्मूला जैसी वैल्यू दिखे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम हमेशा इस तरह के टर्म्स में क्या करो ए और बी रख दिया करो। हालांकि अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो तुम्हें तो ये 2 आता है, शॉर्टकट भी उसका होता है, जिसे मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन के दोनों बच्चों को बताया हुआ है पहले से, ठीक है। बट बाकी जो नए साथी हैं वो जरा ध्यान से समझे कि आता कैसे। अगर मैं इसके 68.5 को ए सपोज करता हूँ और 4.16 को बी सपोज करता हूँ, तो तुम कहोगे सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो। अगर इस टर्म को सॉल्व करोगे, तुम कहोगे सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ प्यारे दोस्तों, अपॉन में क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुमने कहा सर ये बातें तो मेरे समझ में आती हैं भाई, आगे क्या होगा सर।
तो प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करने की बातें करता हूं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहां पे जुड़ेगा भाई, टू ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी जुड़ेगा, टू बी स्क्वायर होगा, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कट जाएगा प्यारे दोस्तों, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तुमने कहा बिल्कुल सर, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, टू कॉमन लोगे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, राइट आंसर विल बी टू। और जब यहां पर इस क्वेश्चन के लिए टू आया है ना, तुम ये डाटा भी रखोगे तो भी तुम्हारा आंसर टू ही आएगा, दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। So basically, if we are talking about this type, then our data is be like the price of an article was first increased by 10%. ठीक है, पहले जो price था, जो article का price था, वो 10% increase किया। तुमने कहा ठीक है सर, article का price में suppose कर लो 100 मान लेता हूँ। तुमने कहा बिल्कुल सर, suppose कर लिया मैंने article का price, आपने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, price मान लेते हैं, मैं यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तुमने कहा सर हम क्या कर रहे हैं भाई, 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं 10% इंक्रीज कर दूंगा, वैल्यू 110 हो जाएगी। कितने परसेंट इंक्रीज के बाद 110 होगी, 10% इंक्रीज करोगे। तुमने कहा जी सर बिल्कुल मैं कर दूंगा भाई। आगे देखो, आगे अगर मैं और भी इंक्रीमेंट की बातें करता हूं प्यारे दोस्त, तो कह रहा है फिर 20% तुमने इंक्रीज किया। 20% इंक्रीज करने का मतलब कि 110 का जो 20% होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है भाई, तो 11 दूना 22 क्या होता है भाई, 22 होता है, 22 होता है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 22। ठीक है, तो 110 में 22 जोड़ोगे कितना आएगा प्यारे दोस्तों? तुम कहोगे सर आफ्टर एडिंग 22 इट विल बी 132। ठीक है, इट विल बी 132। और अगर मैं बात करूँ ना, तो 132 अंतिम मूल्य हमें क्या दे के रखा है भाई, 33 दे के रखा है। तुमने कहा कोई बात नहीं सर बिल्कुल देने देते हैं इसे 32 33। तुम कहोगे सर 132 यूनिट का मान 33 के बराबर होगा, यानी कि तुम देख रहे हो 132 को 4 से डिवाइड अगर तुम करते हो ना, तब जाकर के 33 आएगा। अब तुमसे कह रहा वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा, वस्तु का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस 100 माना हुआ है मैंने। जब तुमने 132 को डिवाइड बाई 4 किया 33 आया, तुम 100 को भी डिवाइड बाई 4 करोगे, योर राइट आंसर विल बी 25। क्लियर है सभी को? 25 रुपीज, दैट विल बी योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, तो देखो ये बहुत प्यारा सा, बहुत मासूम सा क्वेश्चन हुआ, पर बहुत सारे साथी इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में डरते हो, सोचते हो कि एग्जाम में उनका फियर फैक्टर होता है ये, कि सर इस तरह के क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, एक परीक्षा में 120 लोग बैठते हैं। कितने लोग बैठते हैं भाई? 120, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 120 हुए। ठीक है, 120 स्टूडेंट्स हुए। तुमने कहा जी सर होने देते हैं भाई 120 स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे की प्यारे दोस्तों अगर मैं बातें करता हूँ ना 120 स्टूडेंट्स के बाद, उनके प्राप्तांक का औसत कितना है भाई? वो जो पासिंग मार्क्स पा रहे हैं प्यारे दोस्त, वो देखो ध्यान से, उनके वो जो प्राप्तांक का एवरेज कितना? 35 है। जहाँ पे उनके जो पासिंग मार्क्स का एवरेज है, पासिंग मार्क्स का जो एवरेज है वो 39 है, और फेल्ड जो स्टूडेंट्स का मार्क का एवरेज है वो कितना है? 15 है। तुमने कहा सर पासिंग मार्क्स, सर आप पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हो क्या, जो मुझे वाई ग्रुप में इस बार पाने थे भाई? ठीक है, चलो देखो यहाँ से पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, पासिंग मार्क्स का जो एवरेज दिया हुआ है ना, पासिंग मार्क्स एवरेज देखो क्या दिया हुआ है भाई, 39 दिया हुआ है। ठीक है, 39 दिया हुआ है। और अगर मैं फेल वाले की बात करता हूँ, फेल वाले का एवरेज की बात करता हूँ, ठीक है, फेल के एवरेज की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, फेल मार्क्स के एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो 15 दिया हुआ है। अब उसकी दोनों के बीच में एक वैल्यू दिया है कि सभी छात्रों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा भाई? 35 होगा। यहाँ पर 35 लिख दूँ भाई? ठीक है, तुमने कहा बिल्कुल लिख दूंगा सर मैं। आगे देखो प्यारे दोस्त, यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है, एलिगेशन मैथड इसे कहते हैं। ऑलरेडी प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 39 में से 35 जाता है, यहाँ पे 4 आएगा, 35 में से 15 जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा। तुमने कहा सर ये 20:4 आ गया। अब ये जो 20:4 होता है, दोनों कट होंगे भाई 4 से, यानी कि ये 5:1 कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? 5:1 आ रहा है। अब अगर मैं 5:1 की बात करता हूँ, तो ये क्या आता है भाई? ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो 5 होता है ना, ये पास स्टूडेंट आता है, ये पास स्टूडेंट्स होते हैं भाई, ये पासिंग मार्क्स से सामने जो होता है ये पास स्टूडेंट होते हैं, और ये तुम्हारे एक क्या होता है भाई? फेल स्टूडेंट होता है। ठीक है, फेल स्टूडेंट्स की संख्या होती है।
अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुमने कहा सर 5:1 का मतलब हुआ 6, और 6 यूनिट का मान सर दिया हुआ 120, 6 यूनिट का मान अगर 120 दिया हुआ प्यारे दोस्तों, एक यूनिट का मान काट दोगे, एक यूनिट का मान आएगा 20, और जब एक यूनिट का मान 20 आएगा ना, तो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ भाई, फाइंड दी नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन, कितने बच्चे पास हुए भाई एग्जाम में, तो तुम कहोगे सर 5 यूनिट बच्चे पास हुए हैं, यानी 5×20 कर देंगे, 5×20 का मतलब 100 स्टूडेंट्स टोटल पास हुए हैं, 100 स्टूडेंट्स आर पास्ट इन द एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन 25। तो 25वां जो क्वेश्चन रखा हुआ है ना मैंने, वो बहुत मासूम सा बहुत आसान सा रखा हुआ है, ठीक है, बट परेशान मत होना, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में जरूर आते हैं प्यारे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना हार्ड आते हैं, ना सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, ना सारे क्वेश्चन मीडियम आते हैं, मिक्स करके आते हैं, और इसीलिए मैंने क्या किया, बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा एक सेट बनाया हुआ है, जिसके आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है, ठीक है, अब बिल्कुल प्यारे दोस्तों यही टाइप तुम्हारा रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए यहां की अगर मैं बातें करता हूं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सॉल्व करते हो, 6-2 आता है 4, तुमने कहा ठीक है सर 4 आ गया, और -5+4 कितना होता है -1, तुमने कहा ठीक है सर ये पूरा टर्म कट जाएगा -1 आएगा, और -1×2 कितना होता है -2, और 2-2 कितना आता है प्यारे दोस्तों 0 आता है, यानी कि तुम कहोगे सर ये पूरा का पूरा टर्म कट के 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1-5 करेंगे कितना आएगा भाई 5 में से 0 घटाने पे तो 5 ही रहेगा, और 1-5 अगर करते हैं ना 1-5 करते हैं तो -4 दैट विल बी अवर राइट आंसर, बताओ ये बातें क्लियर है सभी को भाई, ठीक है। तो चलिए गाइस बिल्कुल आज के सेशन में इतना ही, आगे भी मैं बहुत सारे मॉडल पेपर्स लेकर के आता रहूँगा, क्लासेज में भी बिल्कुल आप वही जोश के साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, सभी साथियों जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।